बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान और आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल खान फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सलामत होंगे। अल्लाह पाक से गुजारिश की इसी तरह खुश आबाद रखें। आप सबसे गुजारिश के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाते हैं बीफ पी। सबसे पहले हमने रुमाली रोटी लिए है, उसके ऊपर फ्राई किया हुआ कीमा डाला है और हमने उसको तकरीबन 4 से 5 चम्मच हमने फ्राई हुआ कीमा लिया है, ऑलरेडी उसे भून चुके हैं, और साथ में हमने उसके ऊपर लाइट से टमाटर स्प्रिंकल करने के साथ साथ हमने इसके ऊपर चीज़ डालनी है, और चीज़ डालने के बाद हमने इस रोटी को फोल्ड करना है। साइडों पे हमने आटे का गोल लगा लिया ताकि ये रोटी फिक्स हो जाए, आपस में जुड़ जाए। तो तमाम साइडों पे लगाने के बाद हमने इस रोटी को कर देना है फोल्ड, और लाइट से हमने इसके ऊपर बटर भी स्प्रिंकल कर दिया। अब हमने इस रोटी को करना है फोल्ड, फोल्ड करने के साथ साइडों को दबा देना है और हमने इसे शिफ्ट कर देना है तवे के ऊपर। ऑयल स्प्रिंकल करने के बाद रोटी हमने तवे पे शिफ्ट कर देनी है और हमने इसको समझ लें दोनों साइड से कुक करना है। बहुत टेस्टी मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई करनी है। इजी रेसिपी है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसकी साइड करेंगे चेंज, दूसरी साइड से हम इसे कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आप दोस्तों को पता है हमारी कोशिश होती है हम आपके लिए अच्छी से अच्छी, आसान से आसान, मज़ेदार से मज़ेदार रेसिपीज लेके हाजिर हों डिफरेंट टाइप की। आप सबसे गुजारिश के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को सलामत रखे। तो आए अब इसके हम साइड्स दोबारा चेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से हमारी रोटी कुक हो चुकी है। दो से तीन दफ़ा इसी तरह हम साइड चेंज करके इसे हम प्रॉपर कुक करेंगे ताकि इसके अंदर जो चीज़ वगैरह डली है वो सारी की सारी अच्छी तरह पिघल जाए और जो कीमा वगैरह है वो भी तकरीबन अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे ताकि इसकी एडजस्टमेंट हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बीफ चीज़ भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे उतारेंगे, टेबल के ऊपर लेके आएंगे और हम अब इसे हम पीसेस के अंदर कट करेंगे, और 4 पीसेस के अंदर हम इसे कट करेंगे और अपने गेस्ट को प्रेजेंट करेंगे। ग्रीन सॉस के साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। अल्लाह पाक मेरे तमाम दोस्तों को सलामत रखे, आबाद रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। अब सबसे गुजारिश के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक मेरे तमाम दोस्तों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।